नमस्कार प्यारा हिंदुस्तान, देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री राम लला जो विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी को, जो निमंत्रण मिला था उसको अस्वीकार किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद आचार्य कृष्णम जी जो हैं वो आज अयोध्या पहुंचे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने लेटर जारी किया और कहा कि हम इसमें नहीं आएंगे, आरएसएस बीजेपी का इवेंट है, दूसरी तरफ आप यहां पर आए हैं अगले ही दिन, क्या मायने हैं इसके आचार्य जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसके निमंत्रण को अस्वीकार करने की चिट्ठी जारी हुई है, लेकिन ये चिट्ठी जारी थोड़ी की है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अयोध्या नहीं जा सकते हैं। अयोध्या जाने के लिए किसी चिट्ठी की जरूरत थोड़ी है, श्री राम मंदिर और भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए किसी लेटर की आवश्यकता थोड़ी है। तो ये तो आस्था का विषय है और राम हमारी आस्था के आधार हैं, राम के बिना तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार विवादित बयान देते हैं, अब उन्होंने कार सेवकों पर चलाई गई गोली को जायज ठहरा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क करने की कोई सुपारी ले ली है और मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो बीमारी है इसका इलाज अखिलेश यादव जी के पास भी नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई कारण है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से डरते हैं, या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश जी की सहमति से बोल रहे हैं। दो बातों में से एक है, या तो अखिलेश जी डरते हैं, डिंपल यादव जी खुद कह चुकी हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से सहमत नहीं है, तो फिर कारण क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य रोज हमारी भावनाओं को आहत करते हैं, हम पर हमला करते हैं, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम करते हैं? तो दोनों में से एक बात ज़रूर है, या तो अखिलेश जी की सहमति है तो अखिलेश जी से पूछना चाहिए, अखिलेश जी को साफ करना चाहिए, या फिर अखिलेश जी डरते हैं। आचार्य जी, एक आखिरी छोटा सा कमेंट, तमाम विपक्षी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी का इवेंट है, क्या लगता है आपको वाकई में 22 जनवरी को आरएसएस बीजेपी का इवेंट होने जा रहे हैं? भगवान राम ने बीजेपी कब ज्वाइन की? भगवान राम ने आरएसएस कब ज्वाइन की? भगवान राम किसी दल के हैं क्या? अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम है। भाजपा की उत्पत्ति तो 1980 के करीब हुई, आरएसएस बना 1925 के आसपास। राम तो आदि और अनंत की जब हम बात करते हैं तो राम आदि भी हैं, अनंत भी हैं। राम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम है, कण कण में राम है। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती और राम के बिना सनातन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को उत्सव के रूप में लेना चाहिए, सबको सम्मिलित होना चाहिए। ये उत्सव ना एक जाति का है, ना एक धर्म का है, ना एक राज्य का है, ना एक देश का है, ये उत्सव पूरे ब्रह्मांड का है, पूरे विश्व का है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। और 6 महीने साल भर में मैं अयोध्या आता रहता हूँ, लेकिन जितनी बार भी आया हूँ अयोध्या एक नई अयोध्या, नई नवेली अयोध्या के रूप में मुझे मिली है। और भगवान राम से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को चिढ़ नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके अयोध्या की बात करें, यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिल करके सहयोग दिया है, जो है कार्यक्रम में आना चाहिए, सभी पार्टियों को आना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया, आज तक उस बलिदान का ही परिणाम है कि आज हम अयोध्या में मंदिर निर्माण होते देख रहे हैं, अपने को सौभाग्यशाली भी समझ रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो मंदिर बन रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और प्यारा हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बाहर इस समय हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो काम है वो जोरों शोरों से यहाँ पर इस समय चल रहा है। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो यहाँ पर इस समय युद्ध स्तर पर काम जो है वो यहाँ पर इस समय चल रहा है, क्योंकि 22 जनवरी आपको बता दें, 22 जनवरी अब जो है केवल यहाँ पर 2 हफ्ते का समय जो है वो बाकी रह गया है और 22 जनवरी के बाद मंदिर जो है वो यहाँ पर खुल जाएगा। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा उसके बाद भक्तजनों को जो है वो सौगात यहाँ पर मिल जाएगी। देश भर से लोग जो है वो लगातार आ रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनकी राय कि उनका क्या कहना है, क्योंकि 500 सालों के संघर्ष के बाद जो है यहाँ पर अब श्री राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सौगात जो है वो फिर से भक्तों को मिलने जा रही है। जी इधर आइए, पहले नाम बताइए आप। उमेश श्रीवास्तव, मैं बस्ती आपके बगल से ही के जिले से ही हूँ। और 6 महीने साल भर में मैं अयोध्या आता रहता हूँ, लेकिन जितनी बार भी आया हूँ अयोध्या एक नई अयोध्या, नई नवेली अयोध्या के रूप में मुझे मिली है। और ये
हम अपने संतों का जो है बहुत बड़ा योगदान समझेंगे और लोगों का योगदान समझेंगे कि इनकी वजह से आज ये दिन देखने को मिल रहा है। और ख़ास करके मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस पीढ़ी में हम लोग जन्म लिए हैं, बहुत कुछ हम लोगों ने देखा है, मंदिर को बनते भी देखा है, कितने लोगों ने इसको जो है 500 सालों से इस बारे में सोचते ही कि कब मस्जिद गिरेगा, कब मंदिर बनेगा और प्रभु राम का दर्शन मिलेगा। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस कुल में हम लोगों को जन्म मिला और आज हम अयोध्या को भगवान राम के जो है मंदिर में प्रतिष्ठित होने को देख रहे हैं। क्योंकि अगर सीधे तौर पर बात की जाए, जैसे आपने ये जिक्र किया कि सौभाग्यशाली आप मानते हैं और ये पीढ़ी, क्योंकि 500 सालों में कई दर्जन पीढ़ियां निकल गई जिनका बलिदान, जिनका संघर्ष जो है वो यहाँ की मिट्टी में शामिल है, और आज वो इस पीढ़ी को वो मौका मिला है कि वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर को वो जो है अपनी आंखों से जो है वो दर्शन कर रहे। मैंने कहा ना, बहुत ही भाग्यशाली हम लोग हैं और ये सौभाग्य है हम लोगों का कि आज ये दिन देखने को मिल रहा है और हमारी कई पीढ़ियाँ जो है इसको देखने के लिए तरसती चली गई, हमारे पुरखे तरसते चले गए। आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस भगवान राम के जो है क्षेत्र में हम लोग आए हैं और भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। बस्ती के आप रहने वाले हैं और जैसा आपने जिक्र किया कि कई सारे हमारे जो साधु संत, जो महात्मा हमारे हुए, उनका बलिदान इसमें शामिल है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए, एक इसमें जो कोइंसिडेंस सामने आता है, गोरक्षपीठ धाम, गोरक्षपीठ धाम के पीठाधीश्वर अभी हैं योगी आदित्यनाथ, और प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी हैं, चुन करके आए हैं, और उनका जो है अयोध्या दूसरा घर बताया जाता है। अगर गोरखपुर पहला घर बताया जाता है तो अयोध्या दूसरा घर बताया जाता है कि 60 से ज़्यादा बार जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पर आ चुके हैं और हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट जो है अपनी सरकार में यहाँ की नगरी को दे चुके हैं। मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ जिस कुल से वो हैं, भगवान राम को और बजरंगबली हनुमान को वो बहुत ज़्यादा महत्व उनके पीठ ने दिया है, और महंत अवैधनाथ या उनके पूर्व जो उनके गुरु थे उन्होंने भी इसके लिए बहुत ही संघर्ष किया। अवैधनाथ जी ने भी बहुत संघर्ष किया और उसके बाद ही सौंपा जो है योगी आदित्यनाथ। उस संघर्ष का ही ये नतीजा है कि आज हम लोगों को ये दिन देखने को मिल रहा है। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। आपका क्या नाम है? बुद्धिसागर त्रिपाठी सर मेरा नाम है, बस्ती से मैं हूँ। अच्छा, आप भी बस्ती के रहने वाले हैं। आप बताइए, आपकी क्या राय है यहाँ पर 22 जनवरी को लेकर दीपावली जैसी तैयारी जो है वो पूरे देश भर में चल रही है, अयोध्या में तो अयोध्या से ही केंद्र बिंदु अयोध्या उसका है। 22 जनवरी को दिवाली जैसा त्यौहार मनाएंगे और अपार हर्ष है, हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया, आज तक उस बलिदान का ही परिणाम है कि आज हम अयोध्या में मंदिर निर्माण होते देख रहे हैं, अपने को सौभाग्यशाली भी समझ रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो मंदिर बन रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं और उनके हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जैसे ही मंदिर निर्माण में जैसे ही अपने आप मोदी योगी का नाम सामने आता है तो बहुत सारे विपक्षियों को चिढ़ हो जाती है इस बात। वो तो विपक्षियों को चिढ़ होना स्वाभाविक है क्योंकि विपक्षी हैं, लेकिन ये राम भगवान सबके हैं, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और हम लोग सब लोग मंदिर का दिवाली जैसा जश्न मनाएं, ये हमारी शुभकामना है। 22 जनवरी हम लोग दिवाली का जश्न मनाएंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए, एक तरफ तो मुख्यमंत्री हैं ही, गोरक्षपीठ जो धाम है उसके पीठाधीश्वर भी हैं, महंत हैं और मठाधीश्वर के महंत हैं, तो गोरक्षपीठ धाम का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है संघर्ष में। बहुत बड़ा योगदान रहा है जी सर, बहुत बड़ा योगदान उनका भी रहा है, उन्होंने समय समय पर अयोध्या को समय दिए, अयोध्या में बहुत सी योजनाएं लाए, स्वच्छता लाए, सड़क चौड़ीकरण कराए, बिजली पर सही करवाए और राम पैड़ी का घाट उन्होंने समुचित ढंग से विकास करवाया जो कि अब दर्शनीय स्थल बना, और हमारा अनुमान है कि अब यहाँ पिछले सालों से कम 10 गुना लोग दर्शनार्थी लोग यहाँ पर डे आएंगे। बिल्कुल। और अभी 2023 की ही अगर बात की जाए, पिछले कुछ सालों की तुलना में पहले आते थे 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 2018-2019 की बात बता रहा हूँ मैं, एक एक साल में 2023 में 2.5 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुँचा है श्रद्धालुओं का जब मंदिर निर्माण हो। जी आप कुछ कह रहे थे, एक राय कुछ विपक्षियों के लिए? विपक्षियों के लिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ, भगवान राम सबके हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारी आस्था के केंद्र हैं भगवान राम, और भगवान राम से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को चिढ़ नहीं होना चाहिए, और ख़ास करके अयोध्या की बात करें, यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिल करके सहयोग दिया है और बहुत ही प्रसन्न हैं
भगवान राम के इस मंदिर से। तो मेरा कहना है कि किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सबको इस जो है कार्यक्रम में आना चाहिए, सभी पार्टियों को आना चाहिए। जी आपकी एक राय, आप कुछ? मैं पिछले 7 सालों से 14 कोसी का परिक्रमा किया हूँ। अच्छा। लेकिन बिना मेला के जब मैं अयोध्या आता था तो इक्का दुक्का आदमी रोड पर दिखाई देते थे, लेकिन हमें बहुत खुशी हो रहा है कि इस समय परिक्रमा जैसा भीड़ हर रोड पर दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत शुभ संकेत है अयोध्या वासियों के लिए। और इसी के साथ हम भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित। आपका क्या नाम है? रंगीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बस्ती जिला। बस्ती के रहने वाले हैं जी। आपका क्या कहना है यहाँ पर? तैयारी है 22 जनवरी? बस हमको अच्छा लग रहा है, भगवान का दर्शन मिल जाएगा, बस यही इतना कहना है। इतने सालों के 500 सालों के संघर्ष के बाद इस पीढ़ी को जो है वो मंदिर देखने को, बस अपने समय में मतलब देखने को मिल जा रहा है हमें, बस कुछ नहीं। भाग्यशाली समझते हैं वाह। योगी सरकार के लिए कुछ कहना चाहते हैं? बस सही है साहब, सही है। हाँ एकदम बिल्कुल। आपका क्या नाम है? शारदा देवी। अच्छा, आप साथ में बस्ती के रहने वाले? हाँ बस्ती। आप बताइए आपको क्या लग रहा है यहाँ पर 22 जनवरी की क्या तैयारी? बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कई पीढ़ियों का संघर्ष निकल गया, अब इस पीढ़ी को देखने को मिलेगा। अब देखने तो अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी।